रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है ट्रांसडक्शन ऑफ सिग्नल्स एट सेलुलर लेवल इस शब्द को हमें समझना है ट्रांसडक्शन ऑफ सिग्नल्स एट सेलुलर लेवल ये सिर्फ एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात नहीं हो रही जब ये इतनी बात करते हैं ट्रांसडक्शन ऑफ सिग्नल्स एट सेलुलर लेवल ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात है पोटेंशियल का अर्थ क्या होगा क्षमता ठीक okay. है उस मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन यहां पर किस लिए सेल मेम्ब्रेन के लिए आया तो मेम्ब्रेन की सेल मेम्ब्रेन की क्षमता क्या है उसका बारे में बात करना मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाता है ट्रांसडक्शन ऑफ सिग्नल्स सिग्नल्स का आवागमन किस प्रकार से कि भैया सेल के अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है हम हमेशा प्लस टू से ही बात करते आए हैं सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में कि किस प्रकार से आयन जो है वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर भी जाते हैं और सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी आते हैं तो यहां जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में डिफरेंस है वह डिफरेंस ही क्या कहलाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखिए क्या लिखा है इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन देयर इज ए डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल चार्जेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस में जो डिफरेंस है पॉजिटिव और निगेटिव में ऑन इन साइड एंड आउटसाइड द न्यूरोन सेल के बाहर और अंदर यह क्या कहलाएगा रेस्टिंग मेंब्रेन पोटेंशियल विश्राम की अवस्था में सेल मेंब्रेन में अंदर और बाहर इलेक्ट्रिकल जो डिफरेंस है वह रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाता है ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि सेल के बाहर कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज और सेल के अंदर कैसा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इनकी कंसंट्रेशन के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है रेस्टिंग मेमब्रेन पोटेंशियल अब देखिए न्यूरॉन की अगर बात करें तो न्यूरॉन का जो मेंब्रेन पोटेंशियल है वो है 70 मिलीवोल्ट न्यूरॉन रेस्टिंग मेंब्रेन पोटेंशियल इज माइनस सेवेंटी मिली वॉल्ट ठीक है क्या है रेस्टिंग मेंब्रेन पोटेंशियल है न्यूरॉन का मतलब क्या है कि यह डिफरेंस है, है कि अंदर जो है वो सत्तर सेल की सत्तर आयन्स की कमी है बाहर के मुकाबले इसीलिए तो माइनस सेवेंटी हुआ ना माइनस सेवेंटी का अर्थ क्या होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो सेल के अंदर है इसलिए अंदर सेवेंटी आयन्स की कमी है कंसंट्रेशन की कमी है तभी तो वो आगे चार्ज हो पाएगी रीचार्ज करना है उसे है ना पोलराइज्ड सेल है उसे पहले डिपोलराइज करना है तो क्या होगा एनर्जी का यूज हो जाएगा मैसेज आगे पहुंच जाएगा तो वो डिपोलराइज हो जाएगी फिर से वो एनर्जी गेन करेगी फिर संदेश को लेके जाएगी ठीक है अब देखिए किसी भी सेल के पोटेंशियल के लिए तीन कारक जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं तीन महत्वपूर्ण कारक क्या है सबसे पहला तो है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस आयंस की कंसंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल सेल के अंदर और बाहर कितनी कंसंट्रेशन है जैसे हमने फिक्स कर दिया कि भैया न्यूरॉन की जो कंसंट्रेशन है या जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो माइनस सेवेंटी मिली है दूसरी चीज है परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन कि सेल मेम्ब्रेन तो है लेकिन उसके अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही या उससे बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही परमिएबिलिटी भी तो होनी चाहिए सेल की तभी सेल जो है वो पोलराइज और डीपोलराइज हो जाए हो पाएगी संदेश को ले जा पाएगी बाय द एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोजेनिक पंप्स तीसरा जो कारण है बाय द एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोजेनिक पंप, इलेक्ट्रोजेनिक पंप की कार्य प्रणाली के हिसाब से भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल जो है वो कार्यरत होते हैं काम करते हैं इसमें हमने पढ़ा कई बार हमने इस चीज़ को देखा कि सोडियम पोटाशियम पंप किस तरीके से काम करता है आयंस के कंसंट्रेशन के बारे में ये क्या कहलाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में लिखा है हम जानते हैं कि न्यूरॉन का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो माइनस सेवनटी मिली वोल्ट होगा दैट इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन इज सेवेंटी मिली वोल्ट लेस देन आउटसाइड अंदर कमी है सेवनटी मिली वोल्ट की कमी है बाहर के मुकाबले एट द रेस्ट देयर आर रिलेटिवली मोर सोडियम आयन आउटसाइड वहाँ रेस्ट की सिचुएशन में ज़्यादा सोडियम आयन हैं बाहर अंदर के मुकाबले एंड मोर पोटाशियम आयन इनसाइड साइड पोटाशियम अंदर ज़्यादा है ये भी तो सोडियम पोटाशियम पंप चलता है कि सोडियम जो है वो बाहर जाएगा सॉरी पोटाशियम जो है वो बाहर जाएगा और सोडियम जो है वो अंदर आएगा ये पंप इस तरीके से चलता रहता है रेस्टिंग फेज़ में फिलहाल यहाँ पर क्या है कि सोडियम का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है कहाँ बाहर और अंदर पोटाशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर बेसिस फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एंड न्यूरोनल रिस्पॉन्स ठीक है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ये हम क्यों पढ़ रहे हैं इनकी ज़रूरत क्या है ताकि इंफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है ठीक okay, है या न्यूरोनल रिस्पॉन्स की जो प्रोसेस है उसे समझा जा सके ये सिग्नल उस प्रोसेस का आधार है द इम्पल्स आर कंडक्टेड बाय प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक ये जो इंपल्सिस क्रिएट होती हैं तरंगे उठती हैं हमें पता लगता है कि अभी हाथ की उंगलियों के पास संदेश आया है अभी हमें लिखना है अभी हमें बोलना है अभी हमें चलना है ये सब किन के द्वारा प्रतिपादित होते हैं न्यूरोन्स के द्वारा ये कार्य पूरे होते हैं ये इम्पल्सिस न्यूरोन्स के द्वारा जनरेट होती हैं प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक साइनेप्स का अर्थ क्या है हम जानते हैं एक सिंपल सा स्ट्रक्चर हम समझते हैं कि ये एक न्यूरॉन है है ना? और इधर जो है वो इसके एग्जॉन्स होते हैं ये एग्ज़ोन के फिलामेंट्स कुछ हैं एग्जॉनिक फिलामेंट्स। हैं यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस रहता है के ये दूसरे सेल के पार्ट रहते हैं यहाँ पर और यहाँ होते हैं क्या डेंड्राइट तो ये एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है तो जो दूसरा न्यूरॉन यहाँ पर आएगा वो क्या होगा कि वो पार्ट होता है दूसरे न्यूरॉन के एग्जोन का मतलब ये क्या कहलाएंगे ये कहलाएंगे एक्जोन ऑफ फर्स्ट एक्जोन ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन और ये क्या कहलाएंगे डेंड्राइट ऑफ डेंड्राइट ऑफ सेकंड न्यूरॉन इन दोनों के बीच में यहां संबंध स्थापित होगा इसे क्या कहते हैं साइनेप्स इसे क्या कहते हैं साइनेप्स और यह साइनेप्स इस साइनेप्स से जो पहले है वो क्या है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और इस साइनेप्स के बाद जो है वो क्या है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन यहाँ पर ये यह इम्पल्स जो हैं वो कंडक्टेड होते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन सेल्स आर नॉर्मली मोर नेगेटिव इनसाइड हमने पहले ही बात कर ली कि सेल के अंदर जो है वो नेगेटिव होता है और बाहर जो है वो पॉजिटिव होता है ठीक okay. है कितना हो सकता है प्रत्येक कोशिका का अलग अलग है तो माइनस नौ से सो मिलीवोल्ट तक माइनस हंड्रेड मिली तक यह हो सकता है इट इज जस्ट अपोजिट टू ऑस्मोलैरिटी ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया है यह ठीक उसके विपरीत होता है तंत्रिका एवं मांसपेशी कोशिका का उत्तेजनशील उत्तक में अन्य कोशिका की तुलना में हायर पोटेंशियल होता है यह हम समझते हैं कि हर एक कोशिका के पास इस तरह का पोटेंशियल है इस तरह की कार्यक्षमता है लेकिन न्यूरॉन्स में और मसल टिश्यू में या मसल सेल्स में ये ज़्यादा पोटेंशियल होता है ये पोटेंशियल ज़्यादा होता है डेड सेल्स डू नॉट हैव मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेड को डेड कब कहेंगे मरा हुआ कब कहेंगे जब उसके अंदर कार्यक्षमता नहीं रहेगी उसके बाद नर्व इम्पल्स का मैकेनिज्म क्या है प्रोसेस क्या है तो ये मैकेनिज्म दो तरीके से इसका जो काम है वो दो तरीके से होता है ग्रेडिड पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल ग्रेडिड पोटेंशियल हमें कब चाहिएगा जब शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन कि के एक सेल को दूसरी सेल तक संदेश पहुंचाना है और दोनों बिल्कुल पास पास में हैं और इसके विपरीत एक्शन पोटेंशियल कब काम आएगा एक्शन पोटेंशियल जब एक सेल को दूर तक लॉन्ग डिस्टेंस तक उस मैसेज को ट्रैवल करवाना है ग्रेडेड पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल डिपेंड करता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर और आयन चैनल्स पर ठीक है ये कई तरीके के चैनल्स होते हैं देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लीक चैनल्स वोल्टेज गेटेड चैनल्स लाइगेंट गेटेड चैनल्स केमिकली गेटेड चैनल्स मैकेनिकली सॉरी मैकेनिकली गेटेड चैनल्स के अलग अलग प्रकार के ये चैनल्स होते हैं और इस पर ही ग्रेडेड पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल निर्भर करता है एक्शन पोटेंशियल क्या होगा एक्शन भैया काम करना है अभी उत्तेजना लेके आनी है तो जब सेल के अंदर उत्तेजना होती है तब इलेक्ट्रिकल चेंजेस की जो श्रृंखला है वह एक्शन पोटेंशियल को जन्म देती है एक्शन पोटेंशियल इज ए सीक्वेंस ऑफ रैपिडली अकरिंग इवेंट्स रैपिडली मतलब शीघ्रता से उत्तेजना से जो कार्य करते हैं दैट डिक्रीजेज एंड रिवर्स द मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को घटाएगी और यह ठीक उसके विपरीत कार्य करती है मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब रेस्टिंग पोटेंशियल अभी जो हमने पढ़ा इसको जो कम करे और जो इसके विपरीत दिशा में कार्य करें इसके साथ मिलकर के कार्य ना करे और जो शीघ्र कार्य करने वाली हो उसे हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं एक्शन शब्द से इसे याद रखेंगे कि यह सीधा सीधा क्या है एक्शन का अर्थ है कोई काम करना एक्शन में आना रिवर्स द मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड रिस्टोर द रेस्टिंग स्टेट ठीक है एक्शन पोटेंशियल का काम क्या है कि तुरंत कार्य करके और वापस उस सेल को रेस्टिंग फेज़, रेस्टिंग स्टेट में वो जैसी थी वैसा कर देना एन एक्शन पोटेंशियल अकर्स वेन देयर इज ए रिवर्सल ऑफ नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल रेस्टिंग पोटेंशियल के रिवर्स रिवर्स मतलब विपरीत ठीक विपरीत कार्य करना एक्शन पोटेंशियल कहलाता है गो इन फॉर्म नेगेटिव टू पॉजिटिव ठीक है तो हमने देखा कि ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो माइनस नाइन टू माइनस हंड्रेड मिली वोट था तो ये क्या करेगी इसको प्लस कर देगी एक्शन पोटेंशियल इसी को क्या कहते हैं डीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन का अर्थ क्या है कि जब एक्शन पोटेंशियल रेस्टिंग पोटेंशियल के ठीक विपरीत काम करे और उसे नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल दे तो उसे डीपोलराइजेशन कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है दो नंबर की परिभाषा आती है राइट डाउन अबाउट डीपोलराइजेशन ओके तो ये दो नंबर में आपको लिखना है एक ही लाइन से आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाते हैं आगे देखिए क्या है देर इज सडन इन रश ऑफ पॉजिटिव सोडियम आयन रिवर्सेस द मेम्रेन पोटेंशियल फॉर ए फ्यू मिली सेकेंड्स इस बात पे गौर कीजिए सडन इन रश क्या रश किसे कहते हैं एकदम से भीड़ जब होती है या एकदम से हम किसी काम को करते हैं जैसे शादी ब्याह में जब खाना शुरू होता है ओके okay, तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं अरे अभी तो बहुत रश है फिर चलेंगे बाद में तो एकदम से जो पूरी भीड़ उमड़ पड़ती है टूट पड़ती है उस खाने पर इसी प्रकार से यहाँ भी क्या है कि पॉजिटिव सोडियम आयन्स जो हैं वो जल्दी ही रिवर्स कर देते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल को फॉर ए फ्यू मिली सेकेंड्स केवल कुछ मिली सेकेंड्स के लिए जब तक वह संदेश आगे नहीं चला जाता ऐसा नहीं है कि मान लीजिए पैर के अंगूठे में आपको कोई संदेश मिला है और उसे ब्रेन तक ले कर आना है यहाँ ब्रेन है हमारा ये ब्रेन तक ले कर आना है तो जब तक ब्रेन तक संदेश नहीं जाएगा पूरी की पूरी कोशिका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एक्शन पोटेंशियल में रहेगा ऐसा नहीं होता है एक कोशिका दूसरी कोशिका को संदेश दे करके के दूसरी कोशिका तीसरी को संदेश दे करके के तीसरी कोशिका चौथी को संदेश दे करके स्वयं क्या हो जाती है डिपोलराइज हो जाती है स्वयं वापस रेस्टिंग फेज में आती चली जाती है। संदेश केवल फ्यू मिली सेकेंड्स केवल कुछ देरी के लिए वहां पर रहता है एक्शन okay. पोटेंशियल <coughs> में दो फेज होते हैं एक डीपोलराइजिंग फेज और एक रीपोलराइजिंग फेज डीपोलराइजिंग कब होगा जब स्टिमुलस कॉजिस द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ठीक है कोई जो भी स्टिमुलस है उसने अगर सोडियम चैनल को ओपन किया है अलाउिंग सोडियम टू रैपिडली इनफ्लक्स डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो आगे कार्यरत करेगा सोडियम को इनफ्लक्स डाउन हमने कहा ना सोडियम कहाँ रहता है बाहर पोटासियम कहाँ रहता है अंदर अब सोडियम को अंदर जाना है पोटाशियम को बाहर आना है हम किस बारे में पढ़ रहे हैं डीपोलराइजिंग फेज के बारे में इस डिपोलराइजिंग फेज में क्या होगा ये जो सोडियम है इनफ्लक्स मतलब अंदर आएगा तो बाहर इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा कम यही यहाँ पे लिखा है डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब बाहर जो इसकी कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी इसमें सेल क्या होगी अंदर से पॉजिटिव और बाहर से नेगेटिव यही तो हमने अभी पढ़ा था एक्शन पोटेंशियल क्या है जस्ट रिवर्स ऑफ रेस्टिंग मेंब्रेन पोटेंशियल ओके ए स्टिमुलस डिपोलराइजेज द न्यूरॉन्स मेम्ब्रेन ये डीपोलराइजेशन की जो प्रक्रिया है ये कब होती है जब हमें कोई उत्तेजना मिलती है जब कोई स्टिमुलस मिलता है कार्य होता है वेन इनफ सोडियम एंटर्स द सेल इंडक्शन पोटेंशियल जेनरेट इन इंपल्स वेन इनफ सोडियम एंटर्स जब सोडियम जितनी मात्रा में चाहिए जब वो आराम से अंदर आ जाएगा तब ही जाकर के वो सेल जो है डिपोलराइज होगी क्योंकि तब वहां पर पोटेंशियल जनरेट होगा द इनफ्लो ऑफ सोडियम चेंजेस द मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब यहाँ पे एक सिर्फ उदाहरण लिखा है इन्होंने हमने क्या कहा कि सेल न्यूरॉन जो है वो माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट तक होता है और प्रत्येक कोशिका माइनस नौ से माइनस हंड्रेड मिली वोल्ट तक अलग अलग एक्शन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में रहती है जब ये प्रक्रिया होगी डीपोलराइजेशन की प्रक्रिया होगी तो वो माइनस फिफ्टी फाइव पे अगर है वह है, पॉजिटिव थर्टी मिली तक चली जाती है पॉजिटिव थर्टी मिली तक चली जाती है देखिए आपको मैंने अभी बीस मिनट तक लगातार मैं बोल रहा हूँ और आपने इस चीज़ को समझा है कि ये क्या है सेल का पोटेंशियल क्या है लेकिन बार बार दिमाग में एक ही बात आ रही है कि बार बार पोटेंशियल माइनस सेवेंटी माइनस नाइन्टी ये है क्या और है तो है हमें इसकी ज़रूरत क्या है तो बच्चे आप थोड़ा ध्यान रखें कि ये सब चीज़ें क्योंकि शब्द आ रहे हैं न्यूरॉन स्टिमुलस तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग जाता है न्यूरोफिजियोलॉजी के ऊपर मान लीजिए कल को आपके पास पेशेंट आए कोई अल्ज़ाइमर डिजीज़ का कोई पार्किंसन डिजीज़ का कोई ब्रेन से रिलेटेड हेमीप्लेजिया का अधरंग वगैरह के जो पेशेंट हैं अगर वो आते हैं तब आप उनका एक टेस्ट बोलेंगे करवाने को कि आप इनकी ईईजी करवा लीजिए जैसे ईसीजी होती है ब्रेन हार्ट के लिए वैसे ही ईईजी आप करवाएंगे तब आप देखते हैं कि प्रत्येक न्यूरॉन के पास क्या ये कंसंट्रेशन क्या ये पोटेंशियल है क्योंकि हमने क्या कहा कि जो डेड सेल होती है जो डेड सेल्स हैं या डेड न्यूरॉन हैं उनमें ही पोटेंशियल नहीं होता बाकी सब में होता है तो जब आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे जब आप अच्छे तरीके से रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि न्यूरॉन जो है वो इनका डेड हो चुका है आप जानते हैं कि न्यूरॉन सिर्फ एक ऐसी कोशिका है एक ऐसी सेल है जो रीपोलराइज सॉरी जो रीजेनरेट नहीं हो सकती मतलब अगर आपको ये समझ में आ जाए कि एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होते हैं तो आप पेशेंट को गाइड कर सकते हैं कि आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं दस महीने से उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं दस साल से दे रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्यों क्योंकि उनके पास डीपोलराइजेशन की सुविधा नहीं है क्योंकि वो सेल्स की डेथ हो चुकी है ठीक है इसलिए एक अच्छे चिकित्सक को इन सब बातों की जानकारी होना आवश्यक है तो अंत में एक छोटी सी बात और है रीपोलराइजिंग क्या होती है रीपोलराइज मतलब जस्ट अपोजिट टू डीपोलराइजेशन बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है सिर्फ तथ्य को समझिए फैक्ट क्या है इसके पीछे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है मतलब अभी सेल कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है इसमें अंदर नेगेटिव होगा बाहर पॉजिटिव होगा एक्शन पोटेंशियल होगा तो इसका रिवर्स हो जाएगा कि ये पॉजिटिव अंदर बन जाएगा और नेगेटिव बाहर हो जाएगा ये स्थिति क्या कहलाएगी डीपोलराइजेशन अब पहले जैसी स्थिति आ जाए कि बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव तो ये क्या कहलाएगा रीपोलराइजेशन वही बातें फिर से लिखी है देखिए पोटेशियम आयन रश आउट ऑफ द न्यूरोन सेल आफ्टर एन सोडियम आयन रश इन विच रीपोलराइज द मेम्ब्रेन स्लोअर ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड चैनल्स धीरे धीरे चैनल्स ओपन होने लगते हैं क्लोजिंग ऑफ सोडियम चैनल सोडियम चैनल बंद होने लगेंगे फे प्रोड्यूस द फेज रिपोलराइजिंग ठीक है तो रिपोलराइजिंग फेज अभी पैदा हुआ है जनरेट हुआ है मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो प्लस थर्टी था यहाँ पर दोबारा से वो माइनस सेवेंटी हो जाएगा तो इस प्रकार से जो है हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को समझा जाना इस रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है कोई भी इश्यू है तो आप ज़रूर पूछिए थैंक यू